नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम लोग सीखेंगे लेटर, पत्र कैसे लिखते हैं। तो आइए बात करते हैं पर्सनल लेटर की, कि आखिर हम लोग चिट्ठी लिखना होगा तो लिखेंगे कैसे। और हमको एक पत्र लिखना है अपने फैमिली मेंबर्स के पास। किसके पास चिट्ठी लिखना है? अपने फैमिली मेंबर्स के पास। उसमें एक क्वेश्चन है कि अगर फ्रॉम अ फादर गिविंग एडवाइस टू हिज सन हु हैज टेकन एडमिशन इन अ कॉलेज, यहाँ पर बात हो रहा है कि एक पिता का जो अपने बच्चे को, अपने पुत्र को एडवाइस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, जो कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो पत्र लिखना है और उसमें क्या देना है, एक पिता को अपने पुत्र को एक सलाह देना है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। तो आइए इस पत्र को हम लोग लिखते हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर पत्र को शुरू कैसे करेंगे। जब भी लेटर लिखना होगा तो फिर हम लोग लिखेंगे कैसे, इसमें करना क्या होगा हम लोग को। सबसे पहले ऊपर में हम लोग जब भी लेटर लिखेंगे तो ऊपर में एक एड्रेस देंगे, ठीक है, और एड्रेस देके और फिर उसमें डेट देंगे। तो यहाँ पर आइए लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं और फादर अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो राजपुर रोड जो भी है अपना एक एड्रेस होगा उनका, वो एड्रेस लिखेंगे, देहरादून उत्तराखंड, जनवरी 21, 2023। और आज का डेट दे रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ग्रीटिंग्स देंगे, क्या देंगे, ग्रीटिंग्स देंगे कि माय डियर सन। पहले क्या होता था, जब भी हम लेटर लिखते थे तो एड्रेस एक कोने में इधर देते थे और फिर ये यहाँ पर ग्रीटिंग्स लिखते थे। और जब पैराग्राफ जब हम शुरू करते थे तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ करके तब करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बस एक ही मार्जिन खींच करके और पूरे सभी जो भी लिखना है उसको इकट्ठी लिख सकते हैं। बस जब ग्रीटिंग्स देंगे तो उसके बाद एक लाइन आप गैप कर दीजिए, ऊपर जब एड्रेस देंगे तो फिर थोड़ा सा एक दो लाइन गैप कर देंगे। अब आइए देख लेते हैं, माई डियर सन मीन्स मेरे प्यारे पुत्र, दिस इज माई फर्स्ट लेटर सिंस यू लेफ्ट होम फॉर हायर स्टडीज एट कॉलेज। कॉलेज में पढ़ने के लिए, माना ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब आप घर छोड़ के कॉलेज गए, उस समय से यह मेरा पहला पत्र है। योर मदर एंड आई हैव बीन मिसिंग यू एंड वरीड अबाउट योर हेल्थ। आपकी माता जी और मैं आपके हेल्थ के बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं। होप यू आर कीपिंग वेल एंड हैव एडजस्टेड टू द न्यू एनवायरमेंट। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और नए वातावरण में आप अनुकूलित हो गए होंगे, मीन्स एडजस्ट हो गए होंगे। अब देख लीजिए, अब हमारी मुख्य बातें यहाँ पर चलेगी। योर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी हैज हेल्प्ड यू टू गेट एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस कॉलेज। आपका कठिन मेहनत और ईमानदारी आपको प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लेने में मदद किया होगा। यू मस्ट रिमेंबर डैट योर फ्यूचर लाइज इन योर हैंड्स, मीन्स आपको अवश्य ही याद होगा कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू योर फ्यूचर लाइज इन योर हैंड्स। फिर दूसरा लाइन, सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू योर स्टडीज विल एनहेंस योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मीन्स ईमानदारी से और समर्पण पूर्ण तरीके से किया गया अध्ययन आपकी बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगा। द कॉलेज लाइफ इज फुल ऑफ टेम्पटेशन एंड एल्यूरमेंट्स। द कॉलेज की शिक्षा होती है वो काफी लगाव झुकाव वाली होती है, मीन्स कई तरह के लोग मिलेंगे, कई तरह के बच्चे होंगे वहां पर, छात्र छात्राएं होंगे, आपकी बुद्धि किधर जाएगी, इसलिए अपने आप को क्या करना होता है, बचा के रखना पड़ता है। इट इज इसेंशियल डैट यू ओवरकम द टेम्पटेशंस एंड नॉट गिव इन टू देम। इसलिए यह आवश्यक है कि आपको अपने टेम्पटेशन पर विजय प्राप्त करके आपको क्या करना है, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओनली देन तब ही यू विल बी सक्सेसफुल इन शेपिंग अ ब्राइट करियर फॉर योर सेल्फ। तभी आप अपना उज्जवल भविष्य बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। नाउ यू आर मैच्योर एनफ टू टेक योर ऑन डिसीजंस। अब आप निर्णय लेने में के लिए क्या है, मैच्योर है, मीन्स ऐसी अवस्था जहां पर आप सही गलत के बारे में सोच सकते हैं, उस अवस्था को हम लोग मैच्योर बोलते हैं। इसलिए आप अपना निर्णय लेने के लिए मैच्योर है। नोबडी विल बी देयर टू चेक यू इफ यू वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज। वहां पर कोई भी नहीं होगा
जो आपकी बेकार की गतिविधियों पर ध्यान देगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं नहीं। सो यूटिलाइज योर टाइम वाइजली एंड वर्क हार्ड एज ऑलवेज। इसलिए आप क्या करें, समय को सफल करें बुद्धिमानी पूर्वक और खूब मेहनत करें। एज अ फादर, पिता के रूप में, आई वुड लाइक टू एडवाइस यू टू स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग। मैं आपको सलाह करूंगा कि आप गलत आदतों से बच के रहे, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रग्स, लेट नाइट पार्टीज, इन सभी चीजों से दूर रहे। ए पर्सन इज व्हाट हिज कंपनी इज। व्यक्ति वही बनता है जैसे उसकी संगत होती है। एंड फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस वन्स थिंकिंग, और दोस्त उसके विचारों को क्या करता है, प्रभावित करता है। सो चूज योर फ्रेंड्स विथ केयर एंड स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी। इसलिए आप अपना दोस्तों को सही तरीके से चुने और गलत संगति से दूर रहें। माई सन, इंडोलेंस इज द वर्स्ट हैबिट फॉर ए स्टूडेंट। और किसी भी छात्र के लिए अगर खराब आदतें हैं तो वो क्या है, सबसे बड़ी गंदी आदतें हैं। वाइलिंग अवे योर टाइम विल ओनली रस्ट योर ब्रेन्स। इधर उधर समय बर्बाद करना आपकी बुद्धिमत्ता को क्या करेगा, गड़बड़ करेगा, मीन्स उसकी भी हानि होगी। इन योर लीजर टाइम, जब भी आपको खाली समय मिले, विजिट योर कॉलेज लाइब्रेरी, रीड हिस्ट्री एंड बायोग्राफीज एंड गुड नॉवेल्स। जब भी खाली समय मिले आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंचे जहाँ पुस्तकालय रहती है, इतिहास का अध्ययन करें, जीवनी पढ़े, अच्छी अच्छी नॉवल पढ़े, प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेले, गो फॉर स्विमिंग और गो टू द जिमनाजियम टू कीप योर सेल्फ फिट। अब देख लीजिए, याद करना, हाइट्स बाय द ग्रेट मैन, रीच्ड एंड कैप्ट, वर नॉट अटेंड बाय सडन फ्लाइट, बट वाइल देयर कंपनीज वर स्लेप्ट, दे वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। कितना बढ़िया लाइन है, इसे भी याद कर रहे हैं आपको। ये पत्र लिखते समय इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है कि आप अपनी बातें भी बता दें, बहुत शालीनता से बताएं, एक दो कहावत भी कह दे उसी दौरान लिखते समय। फिर देख लीजिए, कीप राइटिंग रेगुलरली। आप रेगुलर मीन्स निरंतर, नियमित लिखते रहें। एज वी डेस्परेटली वेट फॉर योर लेटर्स, मैं आपका पत्रों का इंतजार करता रहता हूँ। बेटा, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू एंड कंसीडर मी एज अ फ्रेंड। मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूंगा और मुझे एक दोस्त के रूप में समझिए। आई वुड अप्रिसिएट इफ यू डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। मैं आपको यह आश्वासन करता हूँ कि आप मुझसे कुछ भी छिपाए नहीं, नॉट इवन योर मिस्टेक्स, यहाँ तक कि आप अपनी गलती भी नहीं। आई नो, मैं जानता हूँ, वॉयस विल बी वॉयस बट स्टिल बी केयरफुल। आप क्या रहे, लड़का तो लड़का ही है, इसलिए बहुत सावधान रहिए। लेट मी नो इफ यू नीड एक्स्ट्रा पॉकेट मनी। अगर आपको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी की जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर बताएं। योर मदर विल सेंड यू योर फेवरेट बेसन के लड्डू। आपकी माता जी आपको बहुत आपकी पसंदीदा बेसन के लड्डू पहुंचाए कुरियर के जरिए। वी प्रे फॉर योर हेल्थ एंड सक्सेस। मैं आपकी सफलता और स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। योर मदर इज कर्वेइंग हर लव टू यू। आपकी माता जी आपको प्यार भी चाहिए। चलिए, योर अफेक्शनेटली राजवर्मा। आपके दुलारे प्यारे राजवर्मा है। इस प्रकार ये लेटर आपका समाप्त हुआ। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि कैसे एक लेटर लिखना है। और आज हम लोग कौन सा लेटर लिखे, लेटर्स टू नियर फैमिली मेंबर्स। अपने किसी भी नजदीकी को एक पत्र लिखना हो तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले ऊपर एड्रेस देंगे, उसके बाद ग्रीटिंग्स लिखेंगे, उसके बाद फिर अपना समाचार देंगे, फिर एक पैराग्राफ में पूरा डिटेल लिखेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम एक सैल्यूटेशन देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार लेटर्स में 5 रूप लिखने होते हैं पर्सनल लेटर में। चलिए, फिर हम लोग कल दूसरा लेटर के माध्यम से सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ लिखना है, कैसे लिखना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे हर एक क्लासेस को देखते रहिए, सुनते रहिए और पसंद करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। ओके, बाय बाय।